सो बहुत सारे स्टूडेंट से बात करके ये पता चला कि उन्हें लगता है कि नाबार्ड एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए उन्हें प्रिपेयर भी करना चाहिए। बट उनका एक मेजर क्वेश्चन फिर से आगे आ जाता है, और वो क्वेश्चन ये है कि बाकी 8 सब्जेक्ट्स तो ठीक है, आपने कुछ हद तक कह भी दिया कि इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना लगता है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कोई एक बुक बताइए जिसको पढ़ के हमारी नैया पार हो जाए। हर किसी का यही डाउट होगा कि सर ARD में क्या पढ़ें, ESI में क्या पढ़ें, GA में क्या पढ़ें, और ये डाउट खैर बहुत आगे तक बना भी रहता है। अब इसी डाउट के लिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ARD, ESI, GA में क्या पढ़ना है, और सबसे बड़ी बात ये पढ़ना कहाँ से है। ओके, सो स्टार्ट करेंगे। मेरा नाम है कैलाश तिवारी और आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है व्हाट टू स्टडी इन ARD एंड ESI। अब ARD एंड ESI ही क्यों, क्योंकि ये प्रिलिम्स में मेरिट पार्ट का दो सब्जेक्ट्स हैं, और चाहे आप IT से फिल करें, चाहे एग्रीकल्चर से, चाहे फाइनेंस से, आपको ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, अब सबसे पहले देखते हैं कि एग्रीकल्चर और ESI में टॉपिक्स कौन से ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। अभी क्या होता है, टॉपिक्स तो बहुत सारे होते हैं, बट हमें पता है कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हम पढ़ भी सकते हैं और जिनसे क्वेश्चन आते भी हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो डिफिकल्ट भी हैं, अगर क्वेश्चन आ भी गया तो भी चांसेस बहुत कम है कि जिनसे आप आंसर कर पाएंगे। तो पहले यहां पे देखते हैं कि इजी तरीका क्या है। सो बेसिकली अगर आप सिलेबस को देखेंगे, उसको पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे, तो उसमें जो कुछ मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो ये है, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस एंड इरिगेशन, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो मैं तो हमेशा कोई भी स्टूडेंट कहता रहा कि ना सर मुझे कुछ 5 ही टॉपिक बताओ, तो मैं तो यही 5 टॉपिक पढ़ने को बोलता हूँ, क्योंकि इसके बाद देखो अगर कुछ टॉपिक ऐसे ना क्लाइमेट चेंज वाला है या फिर कुछ जनरल अंडरस्टैंडिंग की चीज़ें होती हैं तो वो तो आप कहीं से भी कर लेंगे। अभी एक और टॉपिक है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, उसे पढ़ना बहुत पड़ेगा, रेयर ही उससे क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन आ भी जाता है तो जनरल टाइप का आता है। तो इसलिए उन चीज़ों को ना ही शुरू करें अभी स्टार्टिंग में। हालांकि जैसे ही आपकी पढ़ाई थोड़ी सी अच्छी होती है और आपको कॉन्फिडेंस भी आने लगता है तो फिर सारी चीज़ें पढ़िए, बट इनिशियल ध्यान देते हुए, क्योंकि यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर भी देखेंगे ना, 6 क्वेश्चन एग्रोनॉमी से, 3-4 क्वेश्चन सॉइल साइंस से, हॉर्टिकल्चर से 6-7 क्वेश्चन, फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री से 6-7 क्वेश्चन, तो लगभग 20 से 25 क्वेश्चन तो इन्हीं टॉपिक से आ जाते हैं, और इतना ही वेटेज है कंसेप्चुअल का। तो ये टॉपिक आपको कवर करने हैं, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती। टॉपिक सब टॉपिक्स मैंने लिखे हैं कि किस किस से क्वेश्चन आते हैं, धीरे धीरे हम वीडियोज़ भी बनाएंगे इनकी, वो भी आप देख सकते हैं। ये टॉपिक ध्यान रखिए। नेक्स्ट, करंट पार्ट से क्या पढ़ना है, तो करंट पार्ट में देखिए स्कीम्स, डेटा, रिपोर्ट्स, डेटा। अब जो ये डेटा वाला पार्ट है इसको तो अभी पढ़ना ही नहीं है, हाथ ही नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि जब एग्जाम होगा उससे पहले का जो डेटा रेलेवेंट होगा वही पढ़ना होगा। रही बात स्कीम्स की और रिपोर्ट्स की, रिपोर्ट्स में भी थोड़ा सा ये डाइसी रहती है क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स बार बार रिवाइज होती रहती है, तो स्कीम्स पढ़नी है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे क्या है, अगर आपकी हैबिट BPedia पढ़ने की है तो बहुत हद तक ये सारी की सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाती हैं। देन ESI में क्या पढ़ें, ESI में तो बहुत ही कम चीज़ें हैं, सिलेबस भले ही बहुत बड़ा है बट अगर आप देखेंगे आपके जो क्वेश्चंस वहाँ पे एग्जामिनेशंस में आते हैं वो केवल 4 टॉपिक से आते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन स्कीम से आते हैं, और वहाँ पे हमें देख के लगता है यार ये स्कीम आई कहाँ से है, और वो कहाँ से आई होती है, जैसे हम अपने कोर्स में बोलते हैं जो स्कीम्स इन न्यूज़ वाला डॉक्यूमेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, वहाँ से जनरली वो पूछी जाती है। तो स्कीम्स कवर करनी है, डेटा से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो बहुत कम होते हैं। यहाँ पे जो मैंने चीज़ें लिखी है 2022-23 दोनों ही एग्जामिनेशन की कंपाइल करके लिखी, किसी एक ईयर का ये कंप्लीटली नहीं है। सो ओवरऑल आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए कहाँ से कितने क्वेश्चंस आते हैं। सो अब पूरे ये ARD और ESI को समझने के बाद आपको अभी तो ये पता चल गया है कि एक तो स्कीम्स आपको फोकस करनी है ARD की और ESI की। अगर आप IT, फाइनेंस, एग्रीकल्चर से प्रिपेयर कर रहे हैं जहाँ पे जनरली कट ऑफ कम जाती है तो आपको यही चीज़ नैया पार करा सकती है, और ये चीज़ तो पढ़ना थोड़ा सा ईजी भी होता है और ये इंटरव्यू में भी काम आता है, कंसेप्ट पढ़ने में थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी लगती है, तो ये ज़्यादा आपको फोकस करना है। सोर्सेस क्या हैं जिनसे आप इनको कवर कर सकते हो, तो ARD एंड ESI की बुकलेट्स जो हमने आपको कोर्स में दी हुई है, आप अपने कोर्स में जाएंगे स्टार्टिंग में ही आपको दिख जाएंगी, जो हमने समरी मॉड्यूल्स दिए हुए हैं, सिंगल सिंगल बुकलेट है ARD की, सिंगल बुकलेट है ESI की, जिसमें हमने सिलेबस वाइज कवर किया 100 पेजेस की, बहुत ज़्यादा डिटेल तो हम कभी करते ही नहीं है, सीधे टू द पॉइंट क्रिस्प, और जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है वही, अदरवाइज तो पढ़ने के लिए पूरा BSc एग्रीकल्चर का प्रोग्राम है बट वो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो वो बुकलेट्स कवर करनी है। अब इसके अलावा आप पूछेंगे कि सर मार्केट में कौन सी बुक, मार्केट में बुक्स तो बहुत हैं एग्रीकल्चर समरी वाली, बट उसमें ना आपकी सारी चीज़ें कवर नहीं होंगी यहाँ पे, क्योंकि हर चीज़ थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है और होता क्या उसमें बहुत सारी डिटेल में दी रहती है, तो जो नॉन एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी वो कम्बरसम हो जाता है, और अगर IT स्टूडेंट्स है उसको वैसे ही एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर BSc एग्रीकल्चर का देख के तो उसको जो इंटरेस्ट बना भी होगा ना वो इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा, तो इसलिए ये चीज़ें नहीं करनी है।
लास्ट 3 मंथ का जीए एंड डायनामिक पार्ट, तो ये हमेशा लास्ट 3 मंथ फ्रॉम एग्जामिनेशन। तो अभी क्या है, एक जनरल हैबिट बनाइए बीपीडिया पढ़ने की, तो आपको ये पता रहेगा कि कैसे पढ़ना है, आपको लास्ट टाइम पे हेल्प होगी, चीज़ें रटने कम पड़ेंगी। बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन हम इससे मिलते ही मिलते हैं। इस साल इकोनॉमिक सर्वे आया नहीं, इकोनॉमिक रिव्यू आया है, बजट अनाउंस किया है जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंजेस नहीं है, तो इसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पे ना जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं वो ज़्यादातर पूछी जाती हैं, स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स। तो मेरे हिसाब से अभी के टाइम पे जो पहला और लास्ट चीज़ है ये आपको फोकस करना है, यही आपको कवर करना है आईटी और फाइनेंस स्टूडेंट्स को। तो खासकर इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर दीजिए, उनमें देखिए कि क्वेश्चंस कैसे दिए थे, उन टॉपिक्स के बेसिस पे ही मैंने ये टेबल बनाए हैं, और एक बार आप भी देख सकते हैं उनको और फिर देखिए कि क्या कैसे आपकी प्रिपरेशन चल रही है और कैसे आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे कि एआरडी और ईएसआई की चीज़ें कहाँ से कवर करें, कैसे कवर करें और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हम ये कह सकते हैं कि शॉर्ट टू द पॉइंट एंड क्रिस्प हमारी स्टडी रहेगी, तो डेफिनेटली पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा और एग्जाम भी क्लियर होगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।